नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता और ये हमारे साथ हमारे ये दिल बेचारा फिल्म के फाइट मास्टर शाहबाज भाई, जो कि ऑलमोस्ट मेरी हर फिल्मों में यही एक्शन मास्टर रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कितना मार धार सबको मार रहे, मेरा पैर में लगा और फिर ब्लड पूरा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा एक्शन करा रहे हैं। और मैं जब भी करता हूँ इनके साथ एक्शन तो ऐसा फील होता है कि मैं एक कैसा मतलब साउथ के पैटर्न पे एक्शन कर रहा हूँ, इस प्रकार का एक्शन है इनका। तो हमारे शाहबाज भाई का एक्शन बहुत ही अच्छा है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने किया? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार मेरे तरफ से, और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो भी मैं राकेश जी के लिए जो भी मूवी कर रहा हूँ, एक अलग दर्शकों को देखने में उस फिल्म को मज़ा आएगा। उस फिल्म की एक्शन बहुत ही धाकर है, काफ़ी आप लोग साउथ की फिल्में देखते होंगे और इस फिल्म में भी उस पैटर्न का बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और फिल्म के एक्शन लाजवाब है, जिसमें आज तक के भोजपुरी में मुझे लगता है ऐसी मूवी एक्शन पैटर्न का नहीं बना होगा। उस टाइप से हम लोग ने इस फिल्म में काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी दर्शकों को ये फिल्म पसंद आएगा। और एक्शन में काफ़ी मेहनत हुई है, राकेश जी ने कई बार स्टंट किया इसमें और इनकी मेहनत भी है। तो फिल्म के अंदर बहुत सारे खूबसूरती चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बिल्डअप, और आप दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और मेन है हमारे राकेश गुप्ता जी, जो हमारे लिए तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट एक्टर है, और इनके लिए एक नया देता हूँ, हमेशा एक नया पैटर्न रहता है हमारे तरफ से, क्योंकि फिल्म में कुछ नया आता है तभी दर्शकों को मज़ा आता है काम करने में। और ये मूवी बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आएगी और कुछ नया दे के जाएगी। और बताइए, तो राकेश जी बारे में क्या कहना है कि जो आप करते हैं, कितना है पकड़ लेते हैं, कितना आपको उनको जो है तैयार करना पड़ता है, कितना सिखाना पड़ता है? देखिए, राकेश जी को मुझे मोटिवेशन करना मतलब बहुत ही इजीली लगता है, क्योंकि हम दोनों की काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं हम दोनों, और हम लोग ने जब भी शुरू किए कोई भी प्रोजेक्ट तो काफ़ी डिस्कशन होती है हम लोगों के बीच में, कोई शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो डिस्कशन में इनको बहुत इजीली हो जाता है। और जब ये जब एक्शन करते हैं तो इनको सारा चीज़ इजीली लगता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, कर लेते हैं आसानी से, बहुत अच्छा लगता है। राकेश जी क्या कहना चाहें, जो आपको इसके पहले भी फिल्म का मैंने देखा थोड़ा चला जी, हाँ इसके फिल्म इसके पहले जो एक्शन फिल्म किया था मैंने, तो वो संस्कारी बहुरानी, हाँ, तो उसमें तो बहुत एक मतलब अलग लेवल का एक्शन करवाया मास्टर जी ने। हाँ हाँ, तो वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाली है, मुझे लगता है मान के चलिए आपकी मार्च तक फ्लोर पे आ जाएगी और आप लोग को देखने को भी मिलेगा। उसमें भी हमारे एक्शन मास्टर शाहबाज सर ही हैं जी, तो कुछ अलग देखने को मिलेगा आप लोग। वो फिल्म में हम लोग ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी हम लोगों की, और आज से हम लोग वो फिल्म जब किए थे तो ऐसे तो वो हिंदी पैटर्न की मूवी है, हिंदी मूवी ही है, संस्कारी बहुरानी, लेकिन उस फिल्म में राकेश जी ने जो फर्स्ट टाइम एक्शन किया, अपने लाइफ की सबसे अच्छी एक्शन की थी उस समय, और राकेश जी को बहुत प्रशंसा हुई कि उस फिल्म को करने के बाद, और बहुत ही मज़ा आया। क्या राकेश, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मज़ा आया, और हम लोग ने काफ़ी मस्ती से उस फिल्म की शूटिंग की और बहुत ही अच्छा लगा। और दर्शक को भी बहुत सारा प्यार आएगा उस फिल्म को देखने के बाद, क्योंकि उस फिल्म में जो कैरेक्टर था इनका एक अलग ही था, और उस पैटर्न पे इन्होंने जो अपना भूमिका निभाया है, तो उस भूमिका को लेकर मैंने एक एक्शन डिजाइन किया था, तो उसमें एक अलग मोटिवेशन मिला इनको काम करने में। और कौन कौन फिल्में आप लेके आ रहे हैं? जी हम लेके आ रहे हैं अभी सलाखे, झुक गया आसमान, शरारत और नखरू, बहुत सारी मूवी हमारी है, जैसे अभी हमराज के बाद अभी जान से प्यारा परिवार हमारा, जान से प्यारा परिवार हमारा, संस्कारी बहुरानी, और क्या कहते हैं दिल बेचारा। फिलहाल में हमारी इतनी मूवी सब तैयार हो चुकी है और बहुत ही जल्द दर्शकों के बीच आने वाली हमारी एक्शन पैटर्न मूवी, आप दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा हमारी मूवी को देख के। और खास खास तौर से हमारे राकेश जी के लिए ये फिल्म सरप्राइज है, और इस फिल्म में काफ़ी मेहनत की है हम लोग ने, और बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत करके इस फिल्म को आज क्लाइमैक्स कर रहे हैं हम लोग, और क्लाइमैक्स करते समय हम लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं इस फिल्म को, और आज हमारा लास्ट डे है क्लाइमैक्स का,
तो हम लोगों को बहुत ही मजा आएगा और इस फिल्म की क्लाइमेक्स काफी खूबसूरत हुई है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी ये भी मूवी कंप्लीट हो गई है तो आप लोगों को देखने में मौका अच्छा लगेगा। दूसरी जी, फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश गुप्ता जी बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकाश गुप्ता जी बहुत ही अच्छा इंसान है और हम लोगों के बीच काफ़ी दोस्ती है और एक भाईचारा है। तो हम लोग एक फिल्म की जब प्लान कर रहे थे तो उनकी काफ़ी व्यवहार मुझे अच्छा लगा इस फिल्म को लेकर और हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि चलिए इस मूवी को किया जाए, एक अच्छे तरीके से करते हैं इस मूवी को और मार्केट में जो दर्शक चाहते हैं एक साउथ पैटर्न का धमाकेदार एक्शन तो हम प्रेजेंटेशन उसका देंगे आपको। तो वो फिल्म की 100% प्रेजेंटेशन साउथ पैटर्न का ही है तो दर्शक को एक भोजपुरी में एक अलग चीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि इस फिल्म में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब स्टंट वगैरह ज़्यादा कराए हैं इस फिल्म में तो इसकी क्लाइमेक्स बहुत खूबसूरत हुई है। और प्रकाश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जितना अच्छा प्रोड्यूसर है उतना अच्छा एक फैमिली है तो अच्छा लगता है हम लोगों को। हमारे राकेश जी हैं, सब हम लोग फैमिली की तरह आज हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी आगे बताइए, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूवी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, ये मूवी एक फैमिली ड्रामा है जो परिवार के लिए बनाए गए हैं, माँ बेटे को और जो माँ बाप होते हैं, जो माँ अपने बेटे से इतना प्यार करता है वो माँ की तरफ इस फिल्म में हम दिखाए हैं कि एक बेटा और माँ में क्या प्रेम होता है, उसके आधारित ये फिल्म बनी है। और इस फिल्म में ट्विस्ट ये है कि परिवार के साथ साथ लव स्टोरी एक्शन भी लाजवाब है तो बहुत ही अच्छा सिनेमा है। आप दर्शकों से निवेदन है कि इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारे राकेश जी को अपना प्यार दुलार देते रहिए और ऐसे हम लोग बैक टू बैक एक से एक बढ़ के फिल्म करेंगे आप लोगों के लिए। तो बस यही गुजारिश है कि इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ, क्लाइमेक्स चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तलवार से मार रहा हूँ हीरो को जैसा कि हर फिल्म में करता हूँ, मार रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, यही चल रहा है। फिल्म की मेकिंग के बारे में ये कहना है कि थोड़ा सा लेट हुई फिल्म, लेकिन फिल्म अच्छी बन रही है और प्रोड्यूसर इसके प्रकाश गुप्ता जी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। बहुत बड़ा कैनवास नहीं है फिल्म का, छोटे बजट की फिल्म है लेकिन फिल्म की कहानी अच्छी है, फिल्म का ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। हाँ, एक सीक्वेंस है जिसमें हीरो जो है वो सौतेला बेटा है नीलम जी, इनकी माँ बनी है और वही प्रॉपर्टी के चलते सारा कुछ हो रहा है तो मारदार है लास्ट की। अभी मैं हीरो को मार रहा हूँ, फिर बाद में हीरो मुझे मारेगा। दर्शकों को ये कहने की कि देखिए, आज के दौर में नए नए सब्जेक्ट बन रहे हैं, अलग तरीके का सिनेमा बन रहा है। पहले का सिनेमा थोड़ा सा बड़े स्टारों को लेके अभी भी बन रहा है, लेकिन अब लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटे बजट में नए लोगों को लेके अच्छी फिल्म बनाई जाए, तो ये फिल्म उसी का ही एक हिस्सा है। ओटीटी आने से, डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से सिनेमा घरों में फिल्में कम लग पाती हैं, इस पे क्या फर्क? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा जो लोग कहते हैं कि सिनेमा का मज़ा तो सिनेमा हॉल में ही है, अगर ये बात ओटीटी की तो ठीक है, ओटीटी अच्छा है, वर्ल्ड लेवल का इंडिया में भी बन रहा है, वेब सीरीज बन रही हैं काफ़ी तरीके, लेकिन सिनेमा सिनेमा है, सिनेमा को सिनेमा के पर्दे पर ही देखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता। अभी ये फिल्म कर रहा हूँ दिल बेचारा, फिर अभी कुछ दिन में करने जा रहा हूँ एक फिल्म है कलाकंद, संतोष मिश्रा जी जो कि जाने माने निर्देशक हैं और मेरी फिल्म रिवा रिक्शा वाला, मकामा 0 किलोमीटर, पटना से पाकिस्तान, तो बहुत दिनों के बाद उनके साथ फिल्म करने जा रहा हूँ मकामा के बाद।
दिनेश जी हैं, अम्रपाली हैं, मैं हूँ, संजय पांडे जी हैं, और एक अलग स्टोरी है, अलग कैनवास है, वर्ल्ड वाइड प्रस्तुत कर रही, तो मज़ेदार सिनेमा है वो आने वाला है। एक और फिल्म कर रहा हूँ साला फुल नौटंकी, पूरी तरह से कमर्शियल और रोम कॉम कॉमेडी, रोम कॉम सिचुएशन है, तो अच्छा है। आजकल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सिनेमा थोड़ा सा जनरेशन चेंज हुआ है? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए सिनेमा बदल रहा है, तो थोड़ा सा आप से आग्रह है, विनती है कि इसको सपोर्ट करें। अभी जैसे छोटी फिल्मों में कभी फिल्म आई थी बाबुल, बोले अच्छी फिल्म थी, हमारे ही परिवार के अवधेश मिश्रा जी जिन्होंने कम से कम 300 से ऊपर फिल्में खलनायक के तौर पर की हैं, उन्होंने निर्देशित की, बड़ा अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया फिल्म। और ऐसी कई फिल्में आ रही हैं, जैसे एक विवाह थी, कई चैनल सभी बना रहे हैं फिल्में, तो बजट तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा मायने रखता है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट मायने रखता था पहले भी और अभी भी, और अब विषय प्रधान फिल्में बन रही हैं, तो ये अच्छा है संकेत भोजपुरी के लिए, अश्लीलता कम हो रही है। भोजपुरी फिल्में जो है विदेश में भी शूटिंग हो रही है, अभी लंदन में चल रही है। हाँ ये तो काफ़ी दिन से सिलसिला चल रहा है और अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे लंदन के और भी जगहों शूट हो, लंदन शूट हो, अमेरिका शूट हो, कैनवास जितना बड़ा है उतना ही अच्छा है, भोजपुरी सिनेमा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जी भैया, मैं सुभाष यादव नाम है मेरा, और सभी भोजपुरी दर्शक श्रोता दर्शक को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम बा। अजय सिंह, अजय भैया, ये फिल्म का जो शूट है बहुत ही बेहतरीन, इसका स्टोरी है और इसमें जो आर्टिस्ट हैं, स्टार कास्ट वगैरह सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे ये सुशील जी हैं और जय नीलम और प्रकाश जी हैं, और हमारे मेन लीड में हीरो हैं प्रकाश गुप्ता, राकेश गुप्ता जी, और बहुत ही अच्छा यहाँ कमाल का फिल्म बन रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या रोल इसमें आप कर रहे हैं? मेरा रोल है विलन और कॉमेडी का, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा नीचे मेरा पजामा वगैरह बनवाया गया है अलग से, तो सुशील जी के राइट हैंड में मेरा काम मिला है मुझे, उनका राइट बन करके मुझे काम करना है, और बीच बीच में मुझे भूल जाना रहता है, ऐसा मुझे सीन मिला है कि जहाँ कहीं भी वो भेजते हैं कुछ करने के लिए, इनके किसी को धमकी देने के लिए, मारने के लिए, मैं रास्ते में भूल जाता हूँ, तो जब भी दोबारा फ़ोन आता है तो मुझे याद आएगा कि हाँ मुझे काम मिला है, फिर मैं झटके में जाता हूँ तो काम करता हूँ। जी मार तो खाना पड़ता है, हाँ नहीं मार तो जाने के बाद खाना ही है, इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। भाई आप क्या रोल कर रहे हैं इसमें? मैं शूटिंग देखने के लिए आया हूँ, इसमें मेरा कुछ रोल वोल नहीं है, नहीं बस हमारे प्रिय मित्र हैं, जहाँ से हमारा शुरुआत हुआ था, जिस जब मैं इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता था, उस वक्त से एक हमारे दोस्त मिले थे, सोमनाथ जी हैं, आइए इधर आ जाइए, यहीं से हमारा जो है रास्ता स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक पहुँचा है, इनके ही साथ मैंने फर्स्ट टाइम जो है मुंबई में इंडस्ट्री का कोई अगर एक इंसान से मैं मिला पहली बार, फर्स्ट बार, तो ये इनके थ्रू मिला था, और फिर उसके बाद हम लोग ने बहुत मेहनत किया है, बहुत पैदल घूम घूम के गोरे गांव वगैरह एक एक ऑफिस बहुत जगह गए, तो इसे धीरे धीरे शुरुआत हुआ, और बाद में हमारा राकेश भाई जी हैं जो हीरो हैं, उनसे बहुत अच्छा हमारी दोस्ती हो गई, और वही एक हमारे लिए बहुत बड़े जरिया बन गए हैं कि जो आप तो क्या जी सर। भाई आप क्या करें, जो फिल्म की शूटिंग चल रही है, सबसे पहले मैं नमस्कार, मेरा और मेरा नाम सोमनाथ है, और ये जो फिल्म में मैं काम पाया हूँ अभी, तो फिलहाल ये भाई मुझे फ़ोन किए कि आइए, ऐसा ऐसा सीन है, दिल बेचारा का मूवी है, राकेश भाई हीरो हैं, तो मैं पहले तो मना किया, उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट किए फिर मैं आया, और इसमें हम दोनों का बहुत अच्छा रोल है, एक कॉमेडी सीन है जो हमारे बॉस सुशील जी जो भी काम सौंपते हैं हम लोग को, तो हम लोग जाते हैं धमकी देने राकेश भाई के घर पे, और कॉमेडी है पूरा,
हमारे बड़े भाई भुलक्कड़ हैं, इनको मैं याद दिलाता हूँ इस फिल्म में हर चीज़ पे। ये बैठ के बीड़ी पीने लगते हैं, अरे रुका रुका पी ले दा फिर चला था ये, तो इनकी वजह से हम बहुत डांट भी खाते हैं इस मूवी में। बहुत अच्छा है, मेरा ये कहना मूवी बहुत अच्छी है, जो भी देखेंगे मजा पाएंगे। अभी बोले कि जो है मुझे फ़ोन किए तो मैं एक बार ना बोला, फिर दोबारा आया। उसको दोबारा आने का कारण ये था कि मैं इनके वजह से यहाँ आया था, तो मैं प्रेशर किया दोबारा कि नहीं तुमको आना है भाई, मैं जो भी है अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो तुमको साथ में रहना है, इसलिए इनको जबरदस्ती बुलाया मैं। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा आज आप कहाँ पे हैं, कौन से शूटिंग कर रहे हैं, जैसे पीछे देख रहे हैं बहुत अच्छा से। जी मेरा नाम राकेश गुप्ता, आज है हम दिल बेचारा फिल्म के सेट पर। यह फिल्म का थर्ड शेड्यूल है और यह फिल्म आज अब कंप्लीट होने जा रही है, जिसमें काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रकाश जी, और आर्टिस्ट में हैं सुशील भैया हैं, फिर जय नीलम जी हैं, प्रकाश जयेश जी हैं, प्रियंका भारद्वाज है, और ये फिल्म बहुत ही फैमिली ड्रामा पारिवारिक फिल्म है। तो और काफ़ी अच्छा एक्शन जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि मतलब सेट पे चालू ही है एक्शन, ऑलमोस्ट सब आर्टिस्ट भी सेट पर ही हैं, तो काफ़ी अच्छा आनंद भी महसूस हो रहा है। और ये फिल्म कम्प्लीट हो रही है उसमें और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। क्या कहना जी, किस तरह से मूवी बन रही है और किरदार जो आप इसमें, कितना अलग होगा? जी ये फिल्म एक माँ बेटे पे आधारित है, ये फिल्म में आपको बहुत इमोशंस मिलेगा, फैमिली ड्रामा भी है, ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, और माँ बेटे का जो एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है, एक मोहब्बत होती है जो, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो ये फिल्म सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये फिल्म काफ़ी दिनों के बाद शूट हो रही है, बट फिल्म कंप्लीट हो रही है, खुशी की बात यह है और अच्छा महसूस हो रहा है। जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं हमारे प्रकाश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने पहले और एक दो फिल्म बनाई हैं, जो कि आने वाली फिल्म है उसमें भी मैं हूँ, आज़ाद परिंदे, फिर दूसरी फिल्म है स्वर्ग जैसन गांव हमार, और जो कि आप लोग के सामने तीसरी फिल्म है ये दिल बेचारा। तो सब फिल्में ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे आने ही वाली है। ऐसा था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई, मेरी अपकमिंग फिल्में भी और भी हैं, जैसे कि आप मुझे साजन के घर जाना है, स्वर्ग जैसन गांव हमार, फिर मेरी एक वेब सीरीज़ की फिल्म आ रही है, फिल्म है अच्छी फिल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, और हाँ उमस जो कि मेरी फिल्म, वो भी सेंसर में आ चुकी है और लगभग एक दो दिन में वो भी हो जाएगा। तो जल्दी मेरी 7-8 फिल्में लगभग ऑलमोस्ट बन के रेडी है, तो आप लोगों को बहुत सारा मेरी फिल्म देखने को भी मिलेगा। क्योंकि प्रोड्यूसर प्रकाश गुप्ता जी बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये है कि जहां आप हैं लगता है क्योंकि भाई भाई हैं, प्रोड्यूसर हैं? नहीं, वो हमारे भाई नहीं, हमारे मित्र हैं, और हमने पहले फिल्म की थी जो कि त्रिशूल, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब चला, पारिवारिक फिल्म थी, आप लोगों ने आशीर्वाद और प्यार दिया, जिसमें वो फर्स्ट टाइम आए थे और उन्होंने उसमें एक छोटा रोल किया था, मुनीम जी वाला रोल किया था। तो उसके बाद से हम लोग का इतना अटैचमेंट हुआ, फिर उनको भी मेरा काम पसंद आया, और भी लोगों के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म बनाना है, तो उन्होंने कंटिन्यू 3 फिल्में मुझे लेकर बनाई, और माता रानी का आशीर्वाद टचूड फिल्म बहुत अच्छी बनी है, आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ही आएगी। और प्रकाश कुमार जी हमारे बहुत कॉन्शियस, मतलब बहुत चीज़ों को बहुत बारीकियों से समझ के करते हैं, और स्क्रिप्ट पे अच्छा वर्क करते हैं, टीम वर्क भी उनका अच्छा होता है। तो मैं प्रकाश कुमार गुप्ता जी के लिए यही कहूँगा कि ऐसे ही मतलब फिल्म आप लोगों के बीच लाते रहें और फिल्में बनाते रहें। जी जी हाँ, ये फिल्म दिल बेचारा है, इसमें है हमारे सुशील सिंह भैया हैं, फिर जय नीलम जी हैं, प्रकाश जयेश जी हैं, फिर हमारे छोटे भाई हैं शंभू,
और अर्चना सिंह है, प्रियंका भारद्वाज है और मैं राकेश गुप्ता आप लोग के सामने हूँ। ये फिल्म को लेकर मैं यही दर्शकों से एक विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये फिल्म बहुत जल्दी ही पर्दे पर आने वाली है और इसमें माँ बेटे का जो एक इमोशंस होता है आप लोगों के बीच आएगी, तो आप लोग का आशीर्वाद अपेक्षित है, तो यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू और सभी मीडिया प्रभारी को मेरे तरफ से लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। प्रकाश जी बात करें बड़े जोर शोर से जैसे हम देख पा रहे हैं फिल्म की शूटिंग चल रही, क्या कहना चाहिए, कौन सी फिल्म है, फिल्म के बारे में? ये फिल्म दिल बेचारा है इस मूवी का नाम, और ये लास्ट मोमेंट में चल रही है, इसके अब थोड़ा सा पोजीशन बचा, कल क्लाइमेक्स चल रहा है और कल तक ख़त्म हो जाएगा, कल परसों तक इसका यही चल रहा है। और ये चीज अभी आने वाली फिल्म हमारी जैसा बहुत सारे आने का और आगे प्रोजेक्ट भी है, और हमारे अभी मैंने अपना म्यूजिक कंपनी भी खोलने का सोच लिया है और उसके ऊपर मैंने काम भी शुरू कर दिया आज से, अच्छा मार्च अप्रैल इलेक्शन के बाद मैं खुद उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, वहीं से करूँगा। किस नाम से म्यूजिक कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ? अभी उसका मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट जल्द बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगा, और कोई अच्छा अस्थाई के नाम से होगा जो हमारे खानदान में सब मानते हैं। आपके प्रोडक्शन हाउस का क्या नाम है? साईं समर्थ प्रोडक्शन। और ये फिल्म का कैसे शूटिंग चल रही है, क्या मेकिंग है? अभी आप मेकिंग तो मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही किया, बाकी तो ऑडियंस बताएगी और उनसे बड़ा तो मेकर कोई हो नहीं सकता, ऑडियंस वो ही बताते हैं कि आपने क्या काम किया। क्या कुछ मैसेज मिलने वाला है दर्शकों? एक पारिवारिक फिल्म है, मैसेज है, और मेरा जो भी रहता है तो बेस पारिवारिक ही रहता है, और उसमें कुछ ना कुछ आपको एक फैमिली ड्रामा ही मिलेगा जो कि आप परिवार के साथ देखें, ऐसा मेरा काम रहता है। स्टार कास्ट इसमें राकेश कुमार जी हैं, सुशील सिंह जी हैं, प्रकाश जैस, जय नीलम जी और मार्केट के सब कलाकारी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे सब, आर्या शर्मा जी हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि आप म्यूजिक चैनल लॉन्च करने वाले हैं, तो क्या इस फिल्म का जो गाना होगा अपने चैनल पे लॉन्च करेंगे? जी अभी नहीं, इसका नहीं, जैसा भी एल्बम और इसका आया तो ऊँचे स्तर का मैंने भी सोचा है, क्योंकि आगे अगर मुझे बार बार फिल्में बनाना, अभी अजय मैं अप्रैल में भी बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने सोच लिया कि मैं साल में दो या तीन फिल्में करूँगा, तो उसके लिए आपको स्टेब्लिश होना पड़ेगा कि आपके पास खुद का कुछ हो, जैसे आज के हर चैनलों पे चल रहा है, तो हमें भी वो प्लेटफार्म पकड़ना ही पड़ेगा। और आपने अगर आप मेरा करियर मैंने इसी में सोचा है, तो वो चीज़ उसमें मुझे जाना ही पड़ेगा। दिल बेचारा सर रिलीज को लेकर क्या प्लान है, कब तक रिलीज होगा, शूटिंग मतलब? इसका एडिट उडिट पूरा कंप्लीट हो गया है, बस ये हो गया और वहाँ पे हो गया, देखते हैं अप्रैल के या मार्च के फर्स्ट वीक में। इसके पहले मेरे भाई आज़ाद परिंदे आने वाली है, स्वर्ग जैसन गाँव हमार, और ये तीनों फिल्में मेरी लगातार आ रही हैं, क्योंकि कोविड-19 वजह से हमने देखा कि सारे चीज़ें बहुत सारे चीज़ सबका प्रॉब्लम हुआ है, तो उसी से सबने हम लोग मेकरों ने भी फिल्म रोकी है कि देखते हैं अब उसका रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे करते हैं। बात करें आपके प्रोडक्शन हाउस से पहली फिल्म कौन सी थी, अब तक कौन कौन? अभी पहले हम लोग ने जैसा मैं और राकेश जी ने मिलकर, राकेश जी ने बनाया था त्रिशूल, उसमें मैं भी था, को प्रोड्यूसर था उसका, और मेरी अजय आने वाली है साई अपना आजाद परिंदे, प्रमोद प्रेमी जी हैं उसमें, और प्रेम दुबे और मार्केट के सब उसमें इस कार्ड्स हैं, और अभी आएगी स्वर्ग जैसन गाँव हमारे, इसमें राघव नैयर जी जिनके अल्फा मचा के आई थी, राकेश जी हैं और सब है, एक युवा बेस की कहानी है जो लोग भाग के आते हैं शहरों में, बहुत सारे स्ट्रगलर हैं उसमें, मैंने उसमें एक मुद्दा उठाया था जो एक रियलिटी कहानी थी, मैंने अपनी आंखों से देख के उसमें बनाया था। अभी मेरी आगे चीज चल के आ रहा है, आगे आगे है उस चीज़ का। आगे कौन कौन प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है? अभी एक मेरी तो खास दीपक दिलदार जी को लेकर मेरी बातचीत हुई है और उनसे साथ मेरा प्लान है करने का, और एक और है जो उसमें देखते हैं कौन उसमें आ रहा है, मगर दीपक दिलदार के साथ तो पक्का फाइनली। अभी आपने कहा कि चुनाव बाद आप गोरखपुर से काम स्टार्ट करना, तो खास वजह गोरखपुर से मेरा माटी का लगाव, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं अपनी मिट्टी को मानता हूँ, और महाराष्ट्र में मेरी रोजी रोटी है, तो यहाँ से तो मेरा घर चला, मेरा एक बोलते ना लगाव, तो एक लगाव होता है अपने शहर का।
तो स्थानीय कलाकारों को आप मौका देंगे? जरूर, गोरखपुर से कोई आता है तो मेरे बारे में पूछ लीजिएगा कि गोरखपुर का नाम सुनते मैं पहले देता हूँ। ऐसा नहीं कि स्थानीय कलाकार हैं यार हमारे मिट्टी का, अगर देखिए मेरा जो भी लेवल हो छोटा या बड़ा तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि भाई मैं अपने स्थानीय लोग के लिए कुछ कर सकूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहेंगे आप जैसे भोजपुरी को आप लोग लेके जा रहे हो अच्छे अच्छे स्तर पर लेके जाइए, और हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, 12-13 करोड़ बिहार झारखंड, तो हमारी ऑडियंस अगर चाहे लो तो हम भोजपुरी को भोजपुरी बना के छोड़ देंगे, जैसा है हमारा साउथ है ओनी सा, उनकी मेकिंग की तो बराबरी नहीं कर सकते, मगर अपने ऑडियंस के लेवल के हिसाब से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसा भी फिल्में के सारे भाई हों, दिनेश जी हों, पवन जी हों, जैसे चल रहे उनको प्यार दे रहे, तो छोटे छोटे स्तर कलाकारों को भी आप दो तो अच्छे निकल के आएंगे। कोई मेकर को ये नहीं सोचेगा कि फला एक्टर है ये एक्टर है, सबको काम करने का मौका मिलेगा और सबको मौका ऑडियंस के सिवा और कोई दे नहीं सकता। आज जो फाइट का सीन चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फाइट मार्शल के शहबाज जी हैं और अपने उन्होंने पहले भी किया और उनको 3-4 दिन से क्लाइमेक्स ही है तो वही चल रहा है इनका। आज जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं बताना चाहेंगे कहाँ पर? अभी हम लोग बलंग रिसोर्ट में हैं, विरार ईस्ट में पड़ता है ये, और यहाँ दिल बेचारा फिल्म की शूटिंग चल रही है। सुशील जी हैं, नीलम जी हैं, राकेश गुप्ता जी हीरो हैं, प्रकाश गुप्ता जी प्रोड्यूसर हैं, मैं भी हूँ। हाँ, क्या किरदार प्ले करोगे इसमें? नेगेटिव शेड का है ये रोल। एक्चुअली मेरे बाबूजी की डेथ हो गई थी तो ये पुरानी कंटिन्यूटी में मेरे पास बाल जो हैं वो कट गया ना पूरा, इस वजह से ये हैट का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि कंटिन्यूटी जर्क ना हो। विग भी लगाया जा सकता था लेकिन ये गेटअप पे सहमति बनी तो इसलिए हैट लगाया हुआ है। नहीं बताऊंगा। USP की बात करें तो नाम से ही क्लियर हो गया है, दिल बेचारा, सबका दिल बेचारा ही है, ये भी एक बेचारा दिल है। लव स्टोरी है और दिल के चक्कर में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए तो देखते हैं इसमें कौन सी बर्बादी फैलती है। फिल्म के जो हीरो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता अच्छे इंसान हैं, शायद इनकी तीसरी फिल्म है, बढ़िया काम कर रहे हैं, नेचर बहुत अच्छा है, हाइट पर्सनालिटी उनकी बड़ी अच्छी है, भविष्य उज्ज्वल है उनका। मेहनती आदमी है प्रकाश गुप्ता जी, अपनी फिल्म के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एज ए प्रोड्यूसर तो कभी पेश नहीं आया हम, एज ए फ्रेंड हमेशा पेश आया हूँ। बहुत मेहनत करते रहते हैं ताकि फिल्म अच्छी बने, कोशिश कर रहे हैं वो। ये थोड़ा कोरोना के चक्कर में 2-3 शेड्यूल की फिल्म हो गई तो थोड़ा वो परेशान है इन दिनों, बट हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये फिल्म कम्प्लीट कर रहे हैं। अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, दिनेश जी के साथ गोवर्धन आ रही है, खेसारी जी के साथ अंदाज आ रही है, पवन जी के साथ धर्मात्मा आ रही है, बिफोर यू की कुछ फिल्में हैं, एक तो अभी आके गई रानी बेटी राज करेगी, काफ़ी फिल्में हैं वो मैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। आपने कॉमेडियन किया, विलेन भी किया और आई जी हीरो भी आ गए हैं, क्या कहना चाहिए? आई जी हीरो कौन कौन फिल्म और लेके आ रहे हैं आने वाली फिल्म? मैं जितने भी रोल्स करता हूँ वो मेरे लिए हीरो है और हीरो का रोल तो हीरो ही है, तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि ये हीरो का रोल है या ये कॉमेडियन का रोल है। जो स्क्रिप्ट में डिमांड है, जो मेरा कैरेक्टर है, मैं उस कैरेक्टर में रहता हूँ, शायद यही आप लोगों को पसंद आती होगी चीज़ें। सर कोविड के बाद मैंने आमतौर पर देखा है कि फिल्मों से लोग ओ टी टी
ज़्यादा वेब सीरीज से ज़्यादा आ गए, तो आने वाले समय में आपको वेब सीरीज कर रहे हैं कुछ बताएंगे तो उसके बारे में कुछ वेब सीरीज का नज़र आने वाले? ये मोबाइल क्रांति कह लीजिए, पहले एक घर में एक टेलीविज़न हुआ करता था, 15 लोग उसको देखते थे, 10 लोग उसको देखते थे। अभी टेलीविज़न बंद है और घर में 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल ऑन है, तो ये एक नया माध्यम बना है, OTT प्लेटफॉर्म, जो सिनेमा के पैरेलल तो नहीं खड़ा है, सिनेमा सिनेमा ही रहेगा। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी व्यूअरशिप हमेशा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मोबाइल की संख्या बहुत ज़्यादा है, भारत में जितना टेलीविज़न नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा मोबाइल है, तो कंटेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा शूटिंग चल रही है। और ये लॉकडाउन में ये थोड़ा बढ़ चढ़ के आ गया है सामने। आने वाली फिल्में अभी बताई मैंने आपको, नई फिल्म अभी कॉर्पोरेट बहू, लंका में सीता अभी करने जाऊंगा हैदराबाद, सुब्बा राव जी डायरेक्टर हैं, और कॉर्पोरेट बहू बिफोर यू की फिल्म होगी जो आज ही कल मुहूर्त हुआ है वहाँ उत्तर प्रदेश में। काफ़ी फिल्में हैं, कर लेने के बाद बोलने में अच्छा लगेगा। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे विवाद में आप लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं मत लीजिए, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो इंटरटेन होते रहिए और विवादों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हम अपने साथी कलाकारों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि विवादों से दूर रहिए, विवादों में पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं, सबका नुकसान ही होने वाला है। और ये जो जात पात वाली बात है, आर्टिस्ट का कोई जात पात से लेना देना नहीं होता, आर्टिस्ट का एक ही जात होता है, वो आर्टिस्ट ही होता है बस जी। थैंक यू रामचंद्र जी, थैंक यू। प्रणाम नमस्कार, हमें ये नीलम रोवा लोग जाना था नहीं, अपन प्यार और आशीर्वाद बनाए रखी। एगो फिल्म की शूटिंग कर रहा है, प्रोड्यूसर बने प्रकाश गुप्ता जी, कलाकार सुशील सिंह, प्रकाश जैस, हमके रोवा लोग जानते बनी, और भी बहुत सारे कलाकार बने, राकेश हीरो हुवन, शंभू जी बटन वो हीरो बटे, तो बढ़िया लग रहा बा, अच्छा लग रहा बा, आज क्लाइमेक्स हो रहा बा, तो एज यूजल मारना डांटना काटना नेगेटिव आप लोग को पता ही है और आप सब पसंद करते हैं, इसीलिए इस तरीके का रोल मिलता है और करती रहती हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव करती हूँ, अच्छी शरीफों वाले रोल भी कभी कभी कर लेती हूँ, तो इसमें तो है नेगेटिव। रियल लाइफ में तो आप बहुत दयालु होते, मारना काटना आपने वो क्या शक्ल ऐसी दे दी है भगवान ने, दिल दे दिया है प्यार वाला, प्यार बांटने वाला, लोगों के साथ खड़े रहने वाला, लेकिन शक्ल थोड़ी नेगेटिव दे दी, अब उसका इलाज नहीं है मेरे पास। मैम हमेशा आपको हमने फिल्मों में ज़्यादा तो देखा नेगेटिव रोल कर रही हैं आप, करती तो कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि आपकी जो फिल्मों का इमेज है वैसा किसी फैन से? हाँ हाँ, अरे बहुत बार हुआ है, अभी जौनपुर में शूटिंग कर रही थी, बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएँ थी, अम्मा दादी गरिया रही थी मुझे दम भर के, एकदम शुरू थी वो, तो जो गालियाँ मिलती है जब लोगों का रिएक्शन होता ना कि अरे वो है, जैसे वापिस शूटिंग कर रही थी, बहुत भीड़ हो गई थी तो सब पब्लिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे लोग, तो मैं भी लग गई कि भाई थोड़ा पीछे हो जाओ करने दो, तो उसमें से एक लड़के ने बोला अच्छा मोनालिसा को जैसे मारी थी सुहाग में, वैसे हमको मारोगी क्या? तो इस टाइप की बातें सुनने को मिलती हैं, जो बिल्कुल ही सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, जिनको समझ नहीं है कि ये सिर्फ एक्टिंग है, ये सिर्फ इतने देर के लिए किरदार है, तो जब वो लोग गालियाँ देते हैं डांटते हैं, और कोई कोई ऐसे घूर के देखता है कि ये वही है, उसमें ऐसा की थी उसमें ऐसा की थी, तो मज़ा आता है क्योंकि असली अवार्ड तो वही है। बात करें जो फिल्म के हीरो हैं राकेश गुप्ता जी के बारे में, क्या राकेश गुप्ता जी की शायद ये दूसरी या तीसरी फिल्म है, मैं पूरी तरीके से नहीं जानती हूँ, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी करते हैं, मेहनत करते हैं, और कोशिश की मार नहीं है आप लोगों को पता है, और ऊपर वाला उनको आगे बढ़ाए तरक्की दे। जो प्रोड्यूसर है प्रकाश गुप्ता जी, वो भी बड़े इनोसेंट से बंदे हैं, हर चीज़ के लिए सिलेंडर हो जाते हैं, कोई डांट दे तो भी बोलते हैं हाँ, अगर कुछ बोल दे तो भी हाँ ठीक है ये हो गया है गलती,
तो है ऐसा अच्छा इंसान। पर्दों में जैसी हूँ तो आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जान ही रहे हैं, पर्दों के बाहर बस एक इंसान हूँ और कोशिश करती हूँ कि इंसानों के काम आऊँ, क्योंकि इसी दुनिया में रहना है। और आज हम लोग एक दूसरे के साथ जाएंगे, काम आएंगे, तो कल को हमको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो साथ मिलके चलना चाहिए, अपना एक परिवार बना के रहना चाहिए। तो कोशिश यही करती हूँ कि जैसे घर पे रहती हूँ अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ, उसी तरह अपने फिल्म इंडस्ट्री के परिवार वालों के साथ भी रहूँ। हाँ किया है, लेकिन वो मैंने नहीं किया है, उसने कराया है। हम लोग तो जरिया हैं, इंसान हैं, जो हमसे करवाया जाता है, करने वाला तो ऊपर वाला है। और काफ़ी लोगों का साथ मदद, देव पांडे, प्रणीत, रत्नाकर जी, दिनेश जी, खेसारी जी, सारे हीरो, सारे अपने सा कलाकार जो कैरेक्टर आर्टिस्ट जितने हमारे हैं, सुशील भैया, संजय भैया, प्रकाश जी, समर, तरुण, अनूप भैया, किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम रह भी जाएगा, सबका याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम 70-80 लोगों का एक परिवार बना हुआ है, एक भोजपुरी परिवार बना है, जिससे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर किसी की मदद कर पाएँ, हर किसी के पास टाइम पर पहुँच पाएँ। जैसे धनंजय जी का बहुत दुख है, तभी भी हम लोग पहुँचे। मिराज खान जी, उनका भी बहुत दुख है, जो नहीं रहे अब हमारे बीच ये लोग, तो उन तक जो मदद पहुँचाई जा सके, उन तक जो कर सके, तो सब ने मिलके किया है। मैं अकेली नहीं, बस इस परिवार के साथ लोग जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं, ये बहुत खुशी और अच्छा लगता है। अभी भी जिनका जो दुख है, तकलीफ भी जो है उनके भी? हाँ, अभी भी हम लोग करते ही हैं, जिनका भी होता है, नाम किस किस का लूँ नहीं, लेकिन करते ही हैं, क्योंकि अब हम लोग उसी परिवार को अब एक ट्रस्ट का रूप देना चाह रहे हैं, ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं कि उसके थ्रू चीज़ें हों। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत चीज़ें रुकी हुई हैं, फिर शूटिंगों की वजह से रुक जा रही हैं, कोई इधर टाइम पे नहीं है, कोई जगह पे नहीं है, तो कोशिश जारी है, शायद एक ट्रस्ट बन जाए तो हम लोग आगे भी इस मुहिम को चलाएँगे। अभी तो लाइन से हैं फिल्में, नाम जैसे अभी कुमारी कन्या करके आए, नैहर करके आई हूँ, इससे पहले टाइटल्स याद नहीं रहते मेरे को, कलेक्टर साहब करके आई हूँ, बस्ती में और दो फिल्में की हूँ, थाबे वाली माँ तो रिलीज ही हो गई है, ये फिल्म कर रही हूँ, पांच महिरिया, कितनी काफ़ी फिल्में हैं जो आधु का तो नाम ही नहीं याद रहता है, आगे करने जा रही हूँ। मार्च पूरा फुल है, फरवरी पर वो अमेजोन की जो फिल्म मैंने डायरेक्ट की है उसके भी पोस्ट प्रोडक्शन में लगी हुई हूँ, तो सब मिला जुला के चल रहा है। दर्शकों से यही है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें जो वक्त चल रहा है, और खुश रहिए। अगर खुशी के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और अपना अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। फिल्म का नाम दिल बेचारा है और आज तो क्लाइमेक्स चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, फाइटिंग सीन्स चल रहे हैं और हीरो है राकेश गुप्ता और मैं एज अ मेन लीड कर रही हूँ। हाँ, प्रकाश जी हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में क्या बोले, उनके साथ हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके। जैसे कि प्रकाश जैस जी हैं, वो भी हमें बहुत सपोर्ट किए, नीलम जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है हमें। सबके साथ हमें बहुत ही अच्छा लगा काम करके और आगे भी हम उनके साथ काम करना चाहेंगे। और राकेश गुप्ता जी के साथ तो काम करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमें, हमारी तो ये सेकंड फिल्म है। अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप सब हमें सपोर्ट कीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।